हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जो इस चैनल पर न्यू है, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज हीना। आई हैव डन माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। नाउ आई एम वर्किंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर इन किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओके, सो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हेल्पफुल बुक्स जो हैं एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए, क्योंकि अब हमारे पास अप्रैल स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल का मंथ है, फिर मई, अप्रैल और मई और 8 जून को हमारा पेपर है। ओवर ऊपर ऊपर देखा जाए, ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर आर एग्ज़ाम, फॉर आर गोल। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने हर कदम कदम पर जो है आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, थोड़ा बहुत गाइड मैंने भी करा है, तो इसी को पूरा करते हुए अब एंड का जो ये टाइम है ना, जब आप कुछ लास्ट के कदम रख रहे हो अपने गोल की तरफ, तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अब हम कौन सी बुक यूज़ करें। तो मेरे पास कई कमेंट भी आए थे कि दी बुक बता दो जो बहुत हेल्पफुल रहे हमारे एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इस टाइम पर तो देखो, आप ऐसी बुक कोई न्यू नहीं पढ़ोगे जिसमें कोई थ्योरी लिखी हो, लाइक कोई मतलब शॉर्ट में से कई सारी बुक्स आते हैं, थ्योरी लिखी होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसी बुक तो कुछ नहीं पढ़ोगे। आपको पढ़ना इस टाइम पर अब वही है जो ऑलरेडी आपके नोट्स बने हुए हैं, या जिन बुक से आपने ऑलरेडी पिछले 6 महीने या पिछले 1 साल से पढ़ाई करी है। नई बुक उठाने का कोई मतलब नहीं है, बुक्स में वही कंटेंट होता है, बस उनकी लैंग्वेज अलग होती है एंड वो आपको कंफ्यूज ही करेगा। ठीक है, तो ऐसी बुक आपको कहीं भी कोई भी रिकमेंड करे या किसी वीडियो में आप देख लो, प्लीज़ वैसी बुक इस टाइम पर तो मत उठाना। अभी आपके नोट्स काम आएंगे, आपकी वो बुक्स काम आएंगी जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। पर एक और चीज़ है, जो बुक मैं रिकमेंड करने जा रही हूँ, सबसे पहले बता दूँ कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं किसी की ऐड कर रही हूँ। नो, ये मेरा जो मुझे लगता है कि आप लोगों के पास होनी चाहिए सिर्फ उतना है। ठीक है, आप लोग, ये भी आपकी चॉइस है कि आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते। ठीक है, सो आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा दिशा एक्सपर्ट्स की, ये मॉक टेस्ट वाली है। इसमें मॉक टेस्ट है प्लस पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें आपको मिल जाते हैं, क्योंकि इसकी एक दूसरी बुक और आती है वो गो टू गाइड करके होती है, उसमें कुछ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी करके दिया होता है, कुछ MCQs दिए होते हैं। वो बुक मैं अभी उन बच्चों को रिकमेंड नहीं कर रही जो अपनी तैयारी शुरू से करते हुए आ रहे हैं एंड इस टाइम पर अब उन्हें मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, ना कि कंटेंट की, कंटेंट तो वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, मॉक टेस्ट वाली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, ये आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। समझ लो मेरी बात कि मैं क्यों मना कर रही हूँ कि जिसमें कुछ भी थ्योरी है वो लेने से। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे हो सकता है बच्चे कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट करा हो, ठीक है, प्रिपरेशन, और या अभी करना चाह रहे हो स्पेशली फॉर दिस, तो वो लोग ये वाली बुक ले सकते हैं, गो टू गाइड वाली। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो तब आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बुक अच्छी नहीं है, वो बुक अच्छी है, लेकिन जब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है तब हम किसी नए कंटेंट पे नहीं जाना चाहिए। हमें एंड के 1 और 2 मंथ में हमें अपना ही लिखा हुआ कंटेंट या जिस बुक से हमने पढ़ा होता है हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए। ओके, सो ये वाली बात कंठस्थ कर लो अपने कि आप लोग अभी कहीं से भी कोई भी नया कंटेंट नहीं उठाओगे। अगर आप YouTube पर भी किसी क्लास ले रहे हो तो सिर्फ उतना लेना जब कोई आपको क्वेश्चन कराए, अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो, नहीं तो वो भी आप अपने ही करोगे। ठीक है, हर किसी के क्वेश्चंस भी मत करना, क्योंकि इस टाइम पर अपना दिमाग घुमाना दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ओके, सो ऐसे करना है। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए पेपर्स है ही, GK टफ नहीं आती है, GK बहुत ईजी आएगी, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इन समरी मैंने आपको ये 2 बुक बताई हैं, दोनों बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकती हैं। ये वाली बुक जो मॉक टेस्ट वाली है वो तो आप ले सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा रोज़ टेस्ट देना बैठ के कितना कितना आ रहा है, या लास्ट के 1 मंथ में दे सकते हो। अप्रैल के बाद अपना शेड्यूल बनाओ कि हाँ मैं टेस्ट दूँगा, उसके बाद उसी की प्रिपरेशन कर लें, उसी को जो है मतलब रिव्यू करूँगा उस पेपर को एंड जो भी मिस्टेक हुई, जो जिस टॉपिक में
कंसेप्ट में मैं उसे पढ़ लूँगा। तो दिस इज़ द वे। कुछ मॉक टेस्ट में भी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, कुछ आप यहाँ से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल हमारी प्रैक्टिस जो है, प्रिपरेशन जो है, वो बूस्ट होगी, ठीक है। एंड प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट 245 रुपीज़ की बुक है, तो ये तो खरीद सकते हो, ठीक है। ओके, अभी भी आपको स्टिल कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, कमेंट में कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, इवन करती हूँ, आप सबको पता भी है ना। और किसी को कुछ मुझसे पर्सनली ही पूछना हो तो आप टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट हो सकती हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।